राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये 10वां अध्याय 18वां श्लोक विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का ये 9वां यहां अंत हो जाता है। 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया है, ये 10वां शुरू हो गया। इस 10वें के यहां पर नीचे अब 10वें श्लोक में युकाल कहता है शिव रूप में प्रकट होकर, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। अब वो काल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु को कि हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। देख लो, एक तो अपने तौरते इंगना फटकड़ी कुछ नहीं लाता ब्रह्मा विष्णु में, ऐसे फिर घोर तप कराया और फिर उन्हीं को अपना अपना दोनों उल्लू सीधा करने के लिए इनको एक एक महकमा दे दिया। सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, उत्पत्ति ब्रह्मा को, पालन विष्णु को। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब सिद्ध हो गया जो शिवपुराण बोल रहा है यहां पर इस समय, ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश से भिन्न है। यहां ये अड़ा देते थे सदा शिव यही है, शिव ही बोल रहा था, नहीं, ये अलग है। तुम परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उन्हें नहीं बुलाया। पुनात्माओं, जब तक हम अपने इन देवताओं के जीवन से परिचित नहीं होंगे, जीवनी से, तब तक हम सच्चाई नहीं समझ सकते। एक भक्त ने विष्णु यानी कृष्ण के उपासक और कृष्ण जी को सर्वेश्वर मानने वाले संत से प्रश्न किया। उसने पूछा कि आपका इष्ट देव कौन है? उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण हमारा इष्ट देव है और ये अखिल ब्रह्मांड का नायक है, ये पूर्ण परमात्मा का अवतार है और ये अविनाशी परमात्मा है। फिर उस भक्त ने प्रश्न किया कि आप श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? उसने उत्तर दिया, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, मूल भगवान की भक्ति करते हैं। फिर उसने पूछा, क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की मृत्यु होती है? वो चतुर प्राणी उत्तर देता है कि मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के अंत में, यानी ब्रह्मा जी, ये सर्ग बोलते हैं इसको, जैसे ब्रह्मा जी का एक, इसकी आयु पूरी होगी, एक ब्रह्मा की मृत्यु जब होगी, जब एक सर्ग होगा, एक एक बार जो है ब्रह्म लोक को छोड़कर बाकी सब लोकों में प्रलय हो जाएगी, लोक नष्ट नहीं होंगे, इन प्राणियों के सथूल शरीर समाप्त हो जाएंगे, वर्षा अधिक होने से ये खत्म हो जाएंगे। कहता एक सर्ग में, ये सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और सर्ग के प्रारंभ होते ही फिर ये प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही इनका विलीन होना और प्रकट होना कह सकते हैं, जन्म मृत्यु नहीं। ये बात से कहते मृत्यु आना फिर कौन से, अब जब विलीन हो गए, खत्म हो गए, उसमें समा गए, खत्म हो गए, मृत्यु हुई। फिर उस फिर पूछा कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? वो कहता हाँ, जैसे नारायण रूप में हम मानते हैं, नारायण रूप में, तो हम कृष्ण जी को नारायण का अवतार भी मानते हैं। अपुन आत्मा आप जी को दिखाते हैं,
अभी आपने शिवपुराण में पढ़ा कि इस काल ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो, अपने आत्मा हो। ये तो इन्हीं के इतिहास बता रहे हैं, ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा। और फिर भी जब किसी की आंख नहीं खुल है और उन्हीं चतुर इन अज्ञानी ऋषियों के चिपके हुए हैं, उसके बारे में परमात्मा बताते हैं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। वो चतुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं, ठोठ संतों के नहीं काम के, उनके देगड़ जोट। और फिर उस भक्त ने उस विष्णु जी के संत को, जो श्री कृष्ण जी का उपासक, श्री कृष्ण जी को इष्ट मानकर सबको नाम दे रहा है, गीता जी का पाठ करता है, लोगों को समझाता है, कंठस्थ गीता जी याद कर रखी है, उससे पूछा क्या जैसे 34 में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या वो तत्वदर्शी संत कौन है और उसकी पहचान क्या है, तो सट्टे मारे हैं, कहते उसमें लिखा है कि तत्वदर्शी संत से परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर। श्री कृष्ण जी अपनी ही महिमा बताने, अपनी ही संतों का मान रखने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ परमात्म तत्व का अर्थ है तत्व ही अविनाशी है, अविनाशी ही कृष्ण है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही सब कुछ है। अब ये उवा बाई बकते हैं, वहां तक प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश विलीन हो जाते हैं, नाशवान हो गए। और श्री मद देवी भागवत स्पष्ट करती है हिंदी वाली, संस्कृत वाली में तो है ही है, संस्कृत वाली में तो है ही है, हिंदी वाली में इन्होंने क्या किया, हिंदी करते समय इन्होंने कुछ तथ्यों को प्रकट नहीं किया। अर्पुणात्मा अभी तो संस्कृत वाली हमारे पास विद्वान है नहीं, और 100 साल में केवल हिंदी वाली छोटी छोटी पॉकेट बन जाती है, और भी घटा घटू का इसका सारा काम बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी तक तो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत सहित विद्वान है, लेकिन अब कुछ एक ने ऐसा कर दिया है कि अध्याय केवल हिंदी में अपने सट्टे ठोक कर 18 के 18 अध्याय हिंदी हिंदी लिख दी उनका अनुवाद करके, तो फिर बात बिगड़ जाती है। परमात्मा ने समय पर निशाना साध्या है। अब देख ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, देखिएगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अनुवादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक है मुद्रक है गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इसके 123 पृष्ठ में। तीसरा स्कंध और 123 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा करते, स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा और शंकर हमारा तो आविर्भाव मन जन्म तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। यहाँ शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये श्री देवी भागवत की चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है,
दूसरा दुर्गा इनकी माता है, तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और चौथा यह है कि ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, नियमित कार्य में मदद कर सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो दुख ही देंगे, और आपके भाग में पुण्य है तो पूरा पुण्य ही दे देंगे, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके दुख को सुख में नहीं बदल सकते। अब वो चतुर प्राणी कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि विष्णु जी कृष्ण जी ही स्वयं है, और फिर कह रहा है कि कृष्ण ही अविनाशी है, कृष्ण ही अविनाशी है, अविनाशी ही तत्व है, तत्व ही श्री कृष्ण है, इसलिए यहां अपने विषय में ही कह रहा है। परमात्मा कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, उवा बाई बकरे हैं। अब देखिएगा कि श्री कृष्ण विष्णु ही है, ये इसका प्रमाण सुधा सागर दे दी, श्रीमद भगवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 549 पृष्ठ पर यह है दसवां स्कंध, और 549 पृष्ठ पर ये सुखदेव जी ये ज्ञान दे रहे हैं, तीसरा अध्याय है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, ये 547 549 पढ़ते हैं। जिसमें भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुबियां अपने आप बज उठी, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, विष्णु ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, और जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया। अब श्री कृष्ण जी कितने समर्थ थे, यानी विष्णु जी कितने समर्थ थे, ये शिवपुराण प्रमाण देगा। देखिएगा शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। इसके 560 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा उमा संहिता, और ये 560 भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना और शिव की महिमा तथा शिव की महिमा। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इस प्रकार इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें साम नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा, यानी श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ये तप किया था। अपने आत्माओं समझदार को संकेत बहुत है, श्री विष्णु इज कृष्ण और विष्णु जी नासवान, देवी भागवत पुराण बता रही है, और श्री कृष्ण जी आप ही भिखारी हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, शिव जी के वरदान से उसको सांब नाम पुत्र प्राप्त हुआ। अब हम अपने वास्तविक प्रकरण पर आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सभी ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने फिर आगे अन्य को बताया। अब ब्रह्मा जी ने कुछ अपना ज्ञान, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान खिचड़ी बनाकर पुराणों की रचना कर दी। जैसे शिव पुराण में रुद्र संहिता में ब्रह्मा से नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि पिताजी
इस सृष्टि के रचनहार कौन है? आप हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, आप सच्ची बताना, या कोई और भगवान है? तब ये सारी कहानी बताने लगता है, तब कहता है कि जो आदि अनादि है, अनंत है, निराकार है, फिर वो साकार हो गया, उसने शिव रूप धारण कर लिया, वो सदाशिव, उसने अपने शरीर से एक लड़की निकाली, एक औरत स्त्री निकाली, उसका अष्टंगी, और वो त्रिदेव जननी जगदम्बिका कहलाई, उसे प्रकृति भी कहते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है ना कि श्री सदाशिव ने काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर से एक शक्ति निकाली या दुर्गा उत्पन्न की, तो ये कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान है, क्योंकि इसको पता ही नहीं। ये तो देवी भागवत में कहता है कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति, कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा कौन पिता है। तो इसने न्यो के बेरा पट गया, वो सदाशिव ने अपने शरीर में तो निकाली थी। ये कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान, कुछ उनका कुछ अपनी अनुभव, कुछ अज्ञान, कुछ अज्ञान मिला के पुराणों की रचना की। अब पुराणों का सहयोग हमने इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हम पुराणों को सत्य मानते थे, और ये यथार्थ ज्ञान परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यथार्थ लिपिबद्ध है, उससे कुछ मिलता जुलता इसमें भी है, इसलिए पुराणों से संबंध लेकर के इसका रेफरेंस तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कबीर जी ने जो बताई वह सारी सच्ची थी। अब इस प्रकार ये चतुर लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं। एक कृष्ण पुजारी से, एस्कॉन वाले से किसी भक्त ने प्रश्न किया जाकर के कि आप किसके पुजारी हो? कि श्री कृष्ण जी के। क्या श्री कृष्ण जी जन्मते मरते हैं? नहीं, वो तो अविनाशी हैं। क्या विष्णु जी ही श्री कृष्ण के अवतार हैं? श्री कृष्ण ही विष्णु के अवतार हैं, और श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी किसकी पूजा करते हैं? एस्कॉन वाला चतुर व्यक्ति कहता है ये श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, अखंड ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर आगे चल के वो हुआ वायु बकने वाला क्या कहता है? कहते हैं श्री कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं। जैसे एक अधिकारी होता है घर पे रहता सिविल ड्रेस में, तो श्री कृष्ण यहाँ घर पे थे तो सिविल ड्रेस में थे, चक्र सुदर्शन नहीं रखते थे, और ऑफिस में जाता है तो टॉप टॉप पहन कर वर्दी वर्दी ला कर जाता है। तो ऐसे तो विष्णु जी समझो और घर पे श्री कृष्ण समझो, एक ही है। तारा गजब भैयो, यहाँ परमात्मा कहते ये सटदल हुआ बाई बकदा, युवा भाई बक्के ने कहेगा ज्ञान को ना। तो पुणात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने यहां आकर यो नौमन सूत सुलझाया, और इस नौमन सूत को सुलझाकर रख गए, लेकिन ये अनाड़ी लोग उसको फिर भी उलझाने में लगे रहे। लेकिन परमात्मा ऐसा सुलझा गए थे कि ये उलझन नहीं पाया इनसे। आज इस दास को बता दिया इसका वो फार्मूला के उपकर सुल जाएगा, तो बाप के समक्ष ये क्लियर हो गया। अब कबीर सागर में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जैसे एक लीला करते ही है परमात्मा, जिसके विषय में वेद भी गवाही दे रहे हैं कि वो ऐसी लीला करता है। कबीर सागर में बताया है कि मेरे 12 अंश आवेंगे, लेकिन उन 12 के 12 को काल भ्रमित कर लेगा। लेकिन बर्म में पंथ में गरीबदास जी का बर्मा पंथ है, बर्म में पंथ में जो मेरी अच्छी आत्मा श्रेष्ठ पुण्य आत्मा आवेंगे गरीबदास जी, उनसे मेरी वाणी का फिर से प्रकाश होगा, और जो 13वां अंश मेरा आवेगा उससे सब अंधियारा सब अज्ञान नाश हो जाएगा।
अब आपको पवित्र कबीर सागर दिखाते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जिसके विषय में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। या अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में नहीं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ ये स्वयं करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के मुखे माने मुखारविंद से उच्चरित। 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में जो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ बनना चाहिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुखारविंद से वाणी उच्चारण की है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। उसको समझने के बाद फिर आप कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने मुखारविंद से जो उच्चारित वाणी में क्या कहा ये देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर 11 संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित। कबीर सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मार्ग बंबई से। इसमें आपको दिखाते हैं बोध सागर, ये देखिएगा बोध सागर 137 पृष्ठ पर, ये कंटिन्यूस 1001 पृष्ठ है। वैसे बोध सागर कबीर बाणी बोध सागर और पृष्ठ नंबर 136 पर कबीर बाणी बोध सागर, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। कहती है 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ आपके नाम से चलाऊंगा और कबीर और पूर्ण परमात्मा की महिमा गाओगे, नाम गलत देंगे सचलोक सचखंड की महिमा गाओगे, नाम गलत देंगे वो काल के मुंह में रह जाओगे। द्वादश पंथ काल फुरमाना, काल का फुरमान है, काल की काल का ही ज्ञान है, उसी का नाम है। भूले पंथ ना जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागो भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। इसमें जागो पंथ एक, गोपाल पंथ मूल निरंजन पंथ, और फिर पंथ टकसार पंथ और पंथ ये बीज, चौथा पंथ बीज को लेखा, और छठवां पंथ सतनाम सतनामी पंथ, और सातवां पंथ जीवा का पंथ, आठवां राम कबीर पंथ, और ये नौवां वैसे ज्ञान की काल का भेद जीव ब्रह्म पंथ है, दसवां परम धाम की वाणी वेद। अब यहाँ इसका क्लियर यहाँ किया है इन्होंने, यहाँ देखिएगा बोध सागर और कबीर चरित्र बोध, इसके ये यहां लगातार है 1870 पृष्ठ पे। या नीचे देखिएगा यहां लो 4 गुरु और 42 वंशों का लेखा लग चुका है, इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ और भी कबीर पंथी ही कहलाते हैं। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, प्रथम नारायण दास का पंथ, ये प्रथम नारायण दास का गलत लिखा है उन्होंने, वो चूड़ामणि का पंथ अभी दिखाएंगे आपको, और यागो दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ और कमालीय पंथ यानी कमाल कमाल का पंथ, कमाल कमालीय जैसे गरीबदासी बोलते हैं गरीबदासीय पंथ, तो कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, जीवा का पंथ और गरीबदास पंथ। जिस गरीबदास पंथ से हम आए हैं अलग से
इस गरीबदास पंथ तक भी कहते हैं ये काल के ही जाल में है। अब फिर आइए यहां पर, अब यहां से समझ में आओगा अच्छी तरह आपका, ये देखिएगा, ये है कबीर वाणी और बोध सागर। वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही अंश। इसके 136 पृष्ठ पे है 12 पंथ। अब आराम आसानी से समझ में आओगे। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। ये प्रथम वंश चूड़ामणि है। यहाँ इन्होंने जो 1870 पृष्ठ पे, 1870 पृष्ठ पे कबीर वाणी में, कबीर चरित्र बोध में ये गलत लिख दिया। ये नारायण दास तो वैसे ही अलग हो गया था, भगवान से बिल्कुल विपरीत था, तो सीधा ही कृष्ण पुजारी था। तो यहाँ चूड़ामणि का पंथ होना चाहिए। दूसरा यज्ञोदास ठीक है, तीसरा सूरत गोपाल भी ठीक है, मूल नरेंद्र की वाणी भी ठीक है। ये देखिए, अब फिर देखिए 136 पृष्ठ पर कबीर वाणी में, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। ये प्रथम पंथ होना चाहिए था, गलत लिखा है, थोड़ा फिर बदल कर दिया। प्रथम जग में जागू भरमावे, वाणी भेद वो गर्ण चुरावे, बिना भेद वो गर्ण चुरावे। अब जागू दास का पंथ ये यहां अपने 1870 पर जो देखा, ये जागू दास को चाहिए, जागू दास का पंथ, फिर सूरत गोपाल पंथ, मूर निरंजन पंथ, ये ऐसे है। प्रथम जागोदास का पंथ, दूसरा सूरत गोपाल का पंथ, तीसरा मूल निरंजन पंथ, चौथा टकसार की वाणी पंथ, और पांचवा, ये पांचवा है, ये पांचवा होना चाहिए, और छठा है, इन्होंने पांचवा लिखा है, जो यहाँ पर छठा इन्होंने लिखा है, भगवान दास का पंथ है छठा, भगवान दास पंथ है। और सातवां है सतनामी पंथ, आह, और ये आठवां है, इन्होंने सातवां लिखा है, ये जीवा पंथ, और नौवां राम कबीर पंथ, यहाँ देखो, आह, ये नौवां राम कबीर पंथ, दसवां परम धाम की वाणी पंथ, ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां गरीबदास पंथ। हम अपना निष्कर्ष पर आते हैं, ये राम कबीर पंथ भी आ लिया। अब इन्होंने दसवां लिखा है, ये ग्यारहवां है, परम धाम की वाणी पंथ। अब ये बारहवां पंथ शुरू होता है, कहते हैं ये बारहवां पंथ यहां से शुरू होता है, संवत 1775 हुई, ये संवत 1774 है, कभी गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, और इन्होंने 75 गलती से लिखा गया है। संवत 1774 हुई, और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब हम ये कबीर वाणी पढ़ रहे हैं, कबीर जी के मुखारविंद से उच्चारित, 137-136 पृष्ठ पे। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। ये गरीबदास पंथ के विषय बोल रहे हैं। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ चल रहा है, कहते इस बर में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा पुनः उसके द्वारा परमात्मा कहे, मैं उनको दोबारा अपना ज्ञान दूंगा, जो कबीर के सागर में, कबीर वाणी में कबीर पंथी नकलियों ने कुछ थोड़ा बहुत भेद फेर बदल कर दिया, तो गरीबदास जी के द्वारा सुचारू करवा दिया भगवान ने, कबीर जी ने। बर में पंथ गरीबदास के पंथ में संवत 1774 में जो प्रगट हुए, प्रगट हो वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये बारह पंथ हम ही को जावे। कहते गरीबदास पंथ तक के मेरी महिमा की वाणी का अर्थ लगावेंगे, लेकिन समझ नहीं पावेंगे, यथार्थ ज्ञान नाम उनको मिलेगा नहीं। कहते हैं अस्थिर घर का मर्म ना पावे, बार में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी वाणी प्रगट होगी गरीबदास के माध्यम से, और ये शब्द हमारे की निर्णय ठानी, जो कहेंगे निर्णय कुछ निकालना चाहेंगे, अर्थ गलत लगा लेंगे, अस्थिर घर का अमर बना पावा, ये सतलोक नहीं जा सकते, वो अमर लोक को प्राप्त नहीं हो सकते, और ये बारह पंथ हमी को जावे, कबीर पंथ कहेंगे, लेकिन ठीक उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाओगा। फिर क्या कहते हैं,
बर में पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं गरीब दास के पंथ में आगे चल के, और तेरमा अंश रूप में कहते हैं बर में पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी तुम्हारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं परमात्मा कि तब तक तुम इस यथार्थ ज्ञान को बताइयो ना किसे तय, बाकी मेरी महिमा जरूर गाता रहना है। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण होगा वो समझना कि मैं मगहर से सह शरीर चला जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। तीन चरण बताए हैं कलयुग की, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम चरण जा चुका है। और कहते हैं धर्मदास से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। बावन वीर कबीर कहाऊं, भव सागर में जीव मुक्ता हूं। यहां देखना, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर ना जाई। कि यहां क्या कहते हैं कबीर परमेश्वर, धर्मदास तो तुझे लाख दुआई है कि अभी इस मूल ज्ञान को, मूल शब्द यानी सार शब्द को कोई बाहर ना बताना। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो, मूल ज्ञान गोई तुम रखो। इस तत्व ज्ञान को जो मैंने तुझे समझा दिया, इसको अभी गुप्त रखना, लिख दे सारा तुम इसमें, तो इसको समझाना ना किसी को, क्योंकि परमात्मा की रजा बिना कोई समझ नहीं सकता इन वेदों को। ये तो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है जो हम पढ़ रहे हैं। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम रखो, गोई तुम रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी है जिसमें हंस सब तर जाएंगे जो शरण में आगे, कि उन नकलियों के पास भी ज्ञान चला जाता है, तो इस बिचली पीढ़ी में हम कैसे भेद बताते और कैसे समझाते इन प्यारी आत्माओं को। कबीर परमात्मा जी कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपना आत्मा, अब ये तो बार में पंथ तक बता दिया परमात्मा ने कि बार में पंथ में हम ही आओगे, जो तेरवा अंश होगा। अब देखना तेरवें अंश के बारे में इसी, ये देखो कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे बोध सागर में। वंश प्रकार क्या बताते हैं, प्रथम वंश उत्तम, ये तो चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। दूसरा वंश अहंकारी, ये जागुदास के बारे में कहा। तीसरा वंश प्रचंड, ये यहाँ सूरत गोपाल पंथ के बारे में कहा है जो उसका प्रमुख था। और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, और आठवें द्वादश पंथ विरोध, ये उसे न्याराय ज्ञान चलाओगा अपना। और नौवें वंश पंथ पूजा, दसवें वंश प्रकाश, और ग्यारहवें वंश प्रकट सारा, बारहवें वंश प्रगट हो उजियारा। यानी बारहवें पंथ में, ग्यारहवें पंथ में प्रगट पसारा, यानी वो केवल ऐसे अपना पंथ पंथ बढ़ा देगा, ज्ञान इनके पास कुछ नहीं होगा। अब कहते हैं बर में पंथ प्रगट हो उजियारा। बर में पंथ यानी गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का उजियारा करवाओगे। अब गरीबदास जी की वाणी में ज्ञान सारा लिखा हुआ लेकिन निर्णायक नहीं है, और कबीर जी की महिमा भी बहुत कुछ लिखी है लेकिन निर्णायक नहीं है। तो यहाँ कहा कि बर में पंथ प्रगट हो उजियारा, यानी कुछ कुछ मेरी महिमा का उसमें प्रकाश होगा। और तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, अब ये तेरहवां वंश, ये दास आपके समक्ष है, कहते उसके तेरहवें वंश के द्वारा ये सब अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान, ये नौमण सूत जो उड़ा हुआ है वो कति सुलझ जाएगा। एति दगा काल की समाई, फिर भी तत्व बिंदु की टेक रह जाएगी। कहते काल इतना जुल्म करेगा, इतना भ्रमित कर देगा, तो भी
ये तत्व छुप नहीं सकेगा। अपने आत्मा अब ये कति निखार हो गया। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, नौमन सूत उड़ जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुन जाए दे उड़ जरा दूजी बार। इस कलयुग में अध्यात्मिक ज्ञान ही समाप्त नहीं होगा, वो दूसरी बात है। जो भक्ति ना करेंगे लास्ट में नास्तिक हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी। अपना आत्मा परमात्मा क्या बताते थे, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। परमात्मा कहते हैं अब सतगुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान और समाधान का ईब विचार लाया। होय होय होय, यदि सतगुरु नहीं मिलते तो नरक में जाते और नरक में ऐसे ठोकिया करे लठ मार मार के, क्योंकि कौन पढ़ना चाहो ऐसे गुंडे कुक्रम में, जैसे पशु ने फाटक में रोकिया करे वो बार बार उसका लठ मार मार कर अंदर ठूस देते हैं। तो कहते नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताड़, उन तक कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, वहां पिटाई होती और फिर 84 लाख योनिया में। इस तत्व ज्ञान के अभाव से जो कुछ भी भक्ति भी कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपनी वाणी में क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में, ये संसय शोक सराय में सूतक दिन रहती और जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, सत्साधना ना करने वालों की कहती यहां बिरान माटी होगी, या जीवत जग में जूती पड़े और फिर जम तोड़े छाती, या दुर्गतियों का बिरान माटी होगी इनकी और आगे यम के दूत बक्कल तारेंगे। तो क्या बताते हैं कि जब सतगुरु ना मिलते तो या दुर्गति होती, 84 लाख योनियों में भी जाते, कष्ट पे कष्ट उठाते, कोटि जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबे बोरे, कौआ हंस बगारे, या दुर्गति यहां हमारी होली, कोटि जन्म तू राजा के न मिटी न मन की आशा, कोटि जन्म तू राजा के न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम दिया मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण दुर्भराया, विश्वनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊ जो आज अमर स्थाना, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब सत भक्ति करने से हमें कितना लाभ होगा उसकी जानकारी बताई है परमात्मा ने, और क्या बताते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे और सुखदेव को मार्ग ना पाई। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी, दिर मोक्ष कर करता। एक तो ज्योत निरंजन है, ये तो काल है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा। माया मीन जाल धोखा अटबट, कहते हैं वो सतलोक के अंदर ऐसा कोई माया नहीं है, कोई जाल नहीं है, धोखा नहीं। और ये भी निरंजन कहलाता है लेकिन ये धोखेबाज है, ये झूठा निरंजन है, इसको ज्योति निरंजन कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। निर्वाण निरंजन माने मोक्ष, मोक्षदायक परमात्मा। निर्वाण निरंजन
चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करह करता। यानी उस पूर्ण परमात्मा को पहचान, चिन, उसकी खोज कर। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करह करता। तेरे दुख और तेरे इस कंगाली को, निर्धनता को दूर करेगा। दोनों निर्धनता दूर करेगा, आपके संसारिक भौतिक जो आवश्यकता है वो भी ठीक करेगा परमात्मा, वो भी टोटा आपका दूर करेगा। और राम नाम के निर्धन आप होगे, हो चुके हो सत साधना ना करके, चार्जर ठीक लगया नहीं, पहले की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हो चुकी है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तुम्हारे दुख और दारिद्र, दुख किस लिए होते हैं? पाप कर्मों से। पाप कट जाएंगे सुख होगा, तभी तो दुख मिटेगा। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। गर्भवास मटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख चौरासी क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख चौरासी क्यों फिरता। सत संगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। सत संगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। दयावंत विवेक भये ज्ञानी टुक छेड़ करे त सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ओए हे, कितनी प्यारी बात कही है। ये हो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने प्रकाशित करवाई अपनी महिमा। कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा को खोज लेवाई और उससे तेरा गर्भवास मिटे निज नाम रटे। माँ के पेट में सबसे बड़ा दुख इस प्राणी को होता है। कहते हैं 100 वर्ष नरक में डाल दे, 9 महीने माँ के पेट में, यो भी एक घोर नरक है। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। कहते क्यों युगन युगन ये शरीर धारण करता है, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी किसी का। और क्या बताते हैं, चल थीर करूं अविगत नगरी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी वापस नहीं आते हैं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस तीसरे मुक्ति धाम को प्राप्त होगा। यह वही सेकंड कर रहे हैं गरीबदास जी। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख चौरासी क्यों फिरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। अब कहते हैं तेरा जन्म मरण परमानेंटली खत्म कर देंगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवा दूंगा और थिर करूं, थिर माने वहां सदा के लिए स्थापित कर दूं, वहां से फिर चलो चलो नहीं रहे। जैसे गरीबदास साहब जी कहते हैं आगे गए तो वह उन आग बताया नहीं जो पहले मर लिए, के कहानी है कित गए के बिरन मटी हुई उनकी। आगे गए ना बावड़े, बावड़ ना माने वापस आना, और रहते भी सब जा बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना।
जैसे यहाँ ब्रह्म की साधना करी तो ब्रह्म लोक में आठवें अध्याय के गीता जी में सोलहवें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये जन्म मृत्यु के अंदर है, पुनर्वर्ती में है, फिर वहाँ से पुनः क्षीण होते फिर नीचे आते हैं। जो विष्णु जी के उपासक हैं विष्णु जी के लोक में चले जाते हैं, वहाँ भी पुनः क्षीण होते फिर वापस आते हैं। जो कॉमन स्वर्ग में जाते हैं वो भी पुनः क्षीण होते फिर 84 लाख योनियां आते हैं। अब जैसे मनु शरीर है पूरा हुआ, चलो कहाँ नरक में, नरक का समय पूरा हुआ चलो कहाँ गदावन, गदे का समय पूरा हुआ चलो कुत्तावन। इसलिए बताया कि यहाँ सतीर स्थान नहीं है, ठोर ठीक ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, अडबिन उस साहेब की बंदगी कित ठोर ठिकाना ना। अब क्या बता रहे हैं, चल थीर करूं अवगत नगरी, तो 84 लाख क्यों फिरता। फिर क्या बताते हैं, वहीं पर आ जाते हैं। सूक्ष्म वेद बहुत ही गहरा ग्रंथ है और इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। कहते हैं सत्संगति ले निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्य संगति ले निज साधु की, तत्वदर्शी संत की सत्संगति, यानी सच्चे दिल से उसके बताए अनुसार साधना कर, उसका ज्ञान सुन। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़ कर विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न कर, यानी सच्चे हृदय से, कपट के साथ नहीं, हृदय से ग्रहण करो उनके ज्ञान को। सत्संगति ले निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता। इनको इतने साधु भी अच्छा लग गया है, बढ़िया है, अच्छे विचार रखता है, उसके पास समाधान है नहीं तो वो तो तेरे जैसा है, बस वह जा चाहे मत कर। कहते नहीं नाम बिना कारज सरता, वो नाम सही हो। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता जी ने कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत इस तीन मंत्र के नाम का निर्देश है। निर्देश मेन फाइनल फैसला डायरेक्शन और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा। इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इन इस भेद को कोई नहीं जानता और मुझ दास से प्राप्त करके ये तीनों मंत्र कोई नीच व्यक्ति स्वयं दान करता है देता है तो वो दुश्मन है परमात्मा का और साथ में उन पुण्यात्माओं का जिनको भ्रमित करा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो सबसे बड़ा काल का दूत है, क्योंकि उसने वो भेद चुरा लिया और वो जीवों को भ्रमित कर सकता है। तो इस प्रकार गीता जी बताया कि नथिंग एल्स, ओनली एक मंत्र है, ये अपने मन मर्जी हरे राम हरे कृष्ण राज्य राज्य श्याम मिला दे। अब श्याम मिलन में राज्य की सिफारिश की जरूरत पड़गी तो फिर चाल लिया काम, राज्य ने श्याम कोई सा भी को नहीं। तो हमारे सदग्रंथों को हमने पूर्ण फिर देखना होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं अनुष्ठान करते हैं, उनको न तो सुख हो ना उनकी गति हो ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। तो 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी त्याग देनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी के बहकावे मत आना, कोई एंड बैंड बोल रहा है वह वाई बखता हो, कोई मंत्र जाप कर लो उसी से लाभ हो जाएगा, कहते उसकी मत मानना। जो संत होगा शास्त्र अनुसार साधना देगा, ये पहचान ये भी है उसकी। कई क्या देते हैं गीता जी में पढ़ लिया हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, अरे तेरा गज वही हो, ये तो गुप्त है। जैसे बादाम खाना हो और न्यू का चावल लाग जाए उसने तो गिरी अलग है, वो गुप्त है। कहते नहीं नाम बिना कारज सरता,
और दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ कर तो सब लड़ता, इन तो संत महात्मा समझते हो, और जरा से इनसे विचार विमर्श करके देख ले। एक बनो कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी विष्णु जी नाशवान है, लठ बजा दे एक मिनट में, लड़ पड़े, क्योंकि इन ज्ञान तो है नहीं। और फिर वो गीता जी में लिखा आप साथ में जाके 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते, तो वो फिर गीता जी का वचन झूठा थोड़ा ही हो सकता है। एक बार कुंभ का मेला भरा था और ये तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा जी के, सतगुण विष्णु जी के, तमगुण शिव जी रजगुण विष्णु जी के वहाँ इकट्ठे हो गए, गिरिपुरी नाथ नागा औगढ़ और वैष्णो गंगा का वहाँ पर के पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, और अर्की पैड़िया पर स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया। नागा कहते हैं नागा बिल्कुल नंगे रहते हैं, नहाते धोते कतीनी गोरी टाइप होते हैं, वह नान लागे पहले पहुंचे पैड़ियां पर खड़े हो गए, हजारों कोई हजार की संख्या में ग्रुप के ग्रुप होते हैं वहां पर, पुरी अलग गिरी अलग नागा अलग नाथ अलग कनपाड़े अलग वैष्णो विष्णु जी के उपास सतोगुण के, वह न्यारे के वैष्णो साधुओं ने सतोगुण विष्णु के पुजारियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि तुम पहले नहीं नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं विष्णु जी के उपासक, हम नहाएंगे हम स्नान करेंगे। इस बात पर गुट बाज गया, नाना तो गए भूल भगवान भी दूर, गुट्टम गुट्टा एक तलवार निकाल ली, एक दूसरे का छुर्रा कटारी घोंप दें तलवार तो शीश काट दे। तो सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाने वाजा कर चलावे हैं, पर काटे शीश नहीं दिल करुणा। ये जग में साधक आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। तो यहाँ कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे तें सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता है। कहती है प्रकार बाहरी दो लोग दिखावा आडंबर तुमने कर रखा, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, दाढ़ी रखा ली, चमटा ले लिया, या कति मूड मुड़ा लिया, घोटम घोट हो गया, लाल कपड़े गाड़ कर चल पड़ा नो। कहते ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए जिनके पास सत भक्ति नहीं है, इनसे यम के दूत नहीं डरते। ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता, दयावंत विवेक भये ज्ञानी टुक छेड़ करे ते सब लड़ता। तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आगे बिराणी क्यों जलता, समझे नहीं सोख सूद्र गैले बड़े भूत भये जो पिंड भरता। फिर भूतों के ऊपर कहते वो भूत बन गए तेरे बड़े, अब उन तू के समाधान देना चाहता है, क्योंकि अब इस समय रहते हुए तुम सत भक्ति करोगे तो उनका मोक्ष हो जाए, आपका मोक्ष होगा, और पिंड भरता अंडे इन भ्रमित किए हुए व्यक्तियों के द्वारा, ये सब साधनाएं मूर्खता की हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, और सुनो सकल सुर भेव। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर बन जाते हैं, पितरों के पास चले जाते हैं। पितरों के श्राद्ध निकालना, भूतों की श्राद्ध निकालना, और भूत पूजते हैं वो भूतों में प्रवेश हो जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये साधना करनी नहीं चाहिए, जब गीता जी के नगरी भूत पूजनीय भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त हो गए, आप गीता जी मना करती है और हम उसको कर रहे हैं,
तो क्यों करें, जो पता है कि कुएं में गिरेंगे फिर उस रस्ते पर क्यों जावे हम। मुक्त होण का भेद कहूं चल चोर सुहंग मजित ढूरता, के दास गरीब निवास सदा जहां नाद अखंड अजब गुरता। अब गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमात्मा के उस लोक सतलोक में वो अखंड धुन होती रहती है, यहां काल ने इस पिंड में शरीर में भी एक नकली धुन पैदा कर रखी है और नकली अलख लोक अगम लोक अनामी लोक की रचना इस ब्रह्मांड में कर रखी है। उस ब्रह्मांड का प्रतिबिंब पिंड में है और सतलोक जो है सतलोक की धुन इस अंड और पिंड से पारसो देश हमारा है। गरीबदास जी कहते कि है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। ये काल की धुन सुन ले, धुन सुन ले अंड और पिंड में, ये तो काल का ही जो कुछ भी ढमढमा इसी का सुनाई देता, इसी का प्रकाश, इसी की व्यवस्था है। वो सतलोक की व्यवस्था तो इस अंड और पिंड से, अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, अंडाकार है ये, और इस ब्रह्मांड का इस टीवी रूपी शरीर के चैनलों में सब व्यवस्था विजिबल है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं ऐसे शरीर के अंदर हमारे बैक बोन के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं, मूल कमल स्वाद चक्र ब्रह्मा जी और शावित्री, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में यहाँ पीछे को या दुर्गा जी, और सहस्रार कमल में यहाँ ये काल है। बस इसमें यही व्यवस्था है। जैसे टीवी जिसका ऑन है चैनल उसके ठीक काम कर रहे हैं, तो जिस चैनल को ऑन करोगे उस चैनल पर जहां भी कोई कार्यक्रम, कहीं देश विदेश की खबरें जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें देख सकते हो। ऐसे ही ये टीवी एक चैनल है हमारा शरीर, इसमें इस ब्रह्मांड के ही में जो कुछ भी हो रहा है वही सुन सकते हैं और देख सकते हैं। वो सचखंड, वो सतलोक तो इस अंड और पिंड के पारसो देश हमारा है, वहां वो अखंड धुन, जहां अखंड नाद अजब घुरता, जहां सतलोक के अंदर वो अखंड धुन हो रही है, कहते हैं वहां चलो तुम्हें ले चलते हैं, सदा सुखी हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।